हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवेक मलिक और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आपकी अगली जिंदगी की 5 से 7 मिनट मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ, लेकिन ये आपसे वादा रहा, अगर आप ट्रेडर हो और जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर डिसिप्लिन में रह के आप उसको फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर संपूर्ण जीवन यही स्ट्रेटेजी आपके पोर्टफोलियो में लगातार वृद्धि देने वाली है। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि एक लंबा टाइम मार्केट में दे चुका हूँ। प्राइस एक्शन हमारी निगाहों में बसा हुआ है, उसकी कोई स्टडी नहीं होती। जितना आप मार्केट में समय दोगे उतना आप प्राइस एक्शन में प्रचंड होते जाओगे। जैसे अभी स्थिति में यूरो यूएसडी का चार्ट है, जो फिलहाल लाइव चार्ट चल रहा है इसका, और अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं इसमें क्या देख पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ इसमें एक ट्रेंड ब्रेक कर रहा है लगभग। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज़ को हम? यहाँ से अगर एक यहाँ तक ट्रेंड लाइन खींचे तो हम यहाँ देखेंगे ब्रेक है, लेकिन उसके बाद एक वीक उसने यहाँ तक बनाई थी और वहां तक कर देंगे अपने इसको ड्रॉप। ठीक है, अब हम वेट करेंगे इसके टूटने की। जब ये इसको टूट देगा, अगर हम स्टॉप लॉस रखे तो कहाँ रखे हम? ठीक है, अगर ये यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक भी ले ले तो हमारा बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है। एक तो हमें ट्रेंड अब गिरता हुआ दिख रहा है लगातार, ठीक, तो बाउंस बैक के चांसेस कम है। यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया, इसे ऊपर जाना होता है यहाँ तक जाता, अभी वापस टच करके नीचे तक आ रहा, जो विक लग रही थी यहाँ तक, सीधी ट्रेंड लाइन खींचो उसको भी जस्ट ब्रेक कर रहा है। इस कैंडल की वेट ओनली, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, टारगेट क्या होने वाले इसी चार्ट के अंदर, मतलब 15 मिनट का है, बाहर कुछ देखना नहीं है, अभी पैसा बना के बाहर निकलेंगे। ठीक, सबसे पहला हमारा टारगेट होगा ये वाला जो लो लगाया था इसने, हमें पीछे ज्यादा जाना ही नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं है, इसी चार्ट में हमें सब कुछ मिलने वाला। उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा होने जा रहा है ये वाला लो जो इसने लगाया, ठीक, और उसके बाद जो हमारा टारगेट होने जा रहा है ये। अब तीन टारगेट कैसे हो सकते हैं? जैसे ही पहला टारगेट हमारा हिट हो, अपने बाइंग पॉइंट पे स्टॉप लॉस लिया हो, दूसरा टारगेट हिट हो पहले पॉइंट पे, बाई पहले जो टारगेट पे है उस पर स्टॉप लॉस लिया हो, तीसरा टारगेट हिट हो दूसरे पे लिया हो, और जब तीसरे से नीचे जाए अपना बुक करके आराम से मजे लो। ये तीन तो बन रहे हैं हमारे जस्ट सामने यूरो यूएसडी के। अगर आप आज ही इस वीडियो को देख रहे हो तो आज ही आप ट्रेड ले सकते हो, ये जो मैं अपनी पर्सनली ट्रेड लेने जा रहा हूँ। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ रखें? स्टॉप लॉस हम समझेंगे, देखो एक तो ये इसके ना रेसिस्टेंस है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे अगर मैं लाइन खींचता हूँ एक, ये इसकी रेसिस्टेंस है। यहाँ से ब्रेक होके नीचे आ गया, यहाँ गया, यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पे इसने तोड़ा था, वापस नीचे आया। अब जब नीचे आया तो देखो इसी लाइन को मैं बड़ा कर दूँ, इसी लाइन को टच करके अब नीचे की तरफ आ रहा है। या तो हम स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें थोड़ा सा और रिस्क फ्री होना है तो हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारी ट्रेड क्या बनी, हमारी ट्रेड क्या बनी वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उम्मीद है जितना मैंने इस वीडियो में अभी तक आपको बताया वो बिल्कुल आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। ये वाला प्राइस एक्शन आप जिंदगी में नहीं भूल सकते, इतना प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ भाई। ठीक, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप समझे, वीडियो बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो केवल चैनल पर आके बस मेरी प्यार मोहब्बत में टाइम पास करके जाओ। नहीं भाई, आपको ट्रेड सीखनी है, जो चीज ना आए मेरे से 50 बार पूछो, 50 बार बताऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। 24/7 किसी भी टाइम मुझे टेलीग्राम चैनल पर डीएम करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करो। ठीक है, तो अब मैं ट्रेड अगर लेता हूँ तो यहाँ पे ले दी हमने भैया शॉर्ट की ट्रेड, ठीक, और हम अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं यहाँ पे, और हमारे टारगेट तीन ये बनेंगे। बाकी देखेंगे आज हमारी ये ट्रेड कैसे जाने वाली है। फुल प्योर प्राइस एक्शन ट्रेड है ये। ठीक, एक कंफर्मेशन के लिए, और नेक्स्ट मैच तो हमें ज़्यादा ही कंफर्मेशन चाहिए, तो हम इंडिकेटर में जाके एक बार ईएमए लगा लेते हैं भाई, और ईएमए में हम चेक करेंगे कि जो हमारा प्राइस है, ईएमए की थोड़ी सी सेटिंग जाके बदलेंगे और यहाँ पे कर देंगे 200। ठीक है, और 200 को करेंगे हम थोड़ा सा ओके। तो देखते हैं हम, हमारा जो प्राइस है अभी 200 ईएमए से भी रिजेक्ट होकर नीचे आ गया, और जैसे ही वो एक दो कैंडल और नीचे बना देगा तो जहां हमारा स्टॉप लॉस है ना वहां हमारी 200 ईएमए भी आ जाएगी, यानी हमारा स्टॉप लॉस बहुत पक्का हो चुका। रिजेक्शन उठेगा भी तो 200 मूविंग एवरेज से ईएमए से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अभी की जो ट्रेड बन रही है यूरो यूएसडी की ये बन रही है। अब बात करेंगे हम स्ट्रेटेजी की, जो स्ट्रेटेजी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ,
सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन ही होता है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने किया। बट जो बंदे नए आए हैं भाई, है वो तो मार्केट में टाइम देने से सीखेंगे, उनके लिए कुछ स्पेशल इंडिकेटर, कुछ स्ट्रेटेजी बिल्कुल लानी चाहिए ताकि वो भी अपने पोर्टफोलियो में वृद्धि कर सके। ठीक है, अब अपने डायरेक्ट चलते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो फॉरेक्स में काम करेगी, जो गोल्ड में काम करेगी, जो स्टॉक्स में काम करेगी, जो क्रिप्टो में काम करेगी, सभी में परफेक्ट काम करेगी। ठीक है, अभी मैं कर देता हूँ सारी ड्रॉइंग रिमूव, रिमूव ड्रॉइंग्स, रिमूव इंडिकेटर। ठीक, अब हमारे सामने बिल्कुल यूरो यूएसडी का नंगा चार्ट है, अब इसे दुल्हन की तरह सजाएंगे और इससे पैसा कमाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम अपने इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे स्क्वीज, ये आ गया ऊपर ही स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर, थैंक्स टू लेजी बियर, उन्होंने हमें इतना परफेक्ट इंडिकेटर दिया। ठीक, इस पर हम करेंगे क्लिक और हमारे सामने आ गया नीचे स्क्वीज मोमेंटम। थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, वैसे बाय डिफॉल्ट ही रहेगी, थोड़े से रंग कलर चेंज करेंगे, कन्फर्मेशन में आसानी रहे। ठीक, तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद स्टाइल में चले जाएंगे और इसकी हम विजिबिलिटी बढ़ा देंगे, हमें चमकदार दिखना चाहिए, जो दूर से एकदम हाँक मार दे कि भाई आवाज़ लगा दे कि क्या मूवमेंट चल रहा है मार्केट में। अब स्क्वीज मोमेंटम है क्या, स्क्वीज मोमेंटम जो है ये हमें दर्शाता क्या है, कौन सी चीज हमें दिखाता है, और मैं इसको ब्लू कर दूंगा बिल्कुल डार्क, ये ध्यान रखना बिल्कुल डार्क। ठीक है, और अब कर देता हूँ मैं ओके। ठीक है, अब स्क्वीज मोमेंटम की बात आती है कि स्क्वीज मोमेंटम जो है ये इंडिकेटर हमें दिखाता क्या है, क्या बेस है इसका। ये जो आप बीच में ब्लू टिक मार्क देख रहे हो बिल्कुल जीरो लाइन पे, ये स्टार स्टार से ये यहाँ पे देख सकते हो आप, दिख रहे हैं आपको ये प्लस प्लस के छोटे छोटे निशान, ये तो हमें स्क्वीज दिखाते हैं। ठीक है, और जो पूरा इंडिकेटर है ये आप ग्रीन और रेड जो देख रहे हो, ये हमें दिखा देते हैं मूवमेंट मार्केट का क्या है। ठीक, और मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, और मार्केट की वोलेटिलिटी के डाइवर्जेंस भी हमें बताते हैं, साथ में मैकडी के भी डाइवर्जन बताता है, और ये आरएसआई का भी। बस अभी मैं सारे डाइवर्जन दिखाऊंगा आपको कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आप देखो, अब मैं एक इसमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लूँ, ये यहाँ से, सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा है, ये यहाँ से ये शुरू हुआ और यहाँ पे आया, लेकिन प्राइस ने बनाया हायर हाई, देख रहे हो, तो ये क्या बन गया, डायवर्जन बन गया, ये तो बनाया इसने लोअर लो, यहाँ पे हायर हाई बना दिया, तो क्या बन गया, डायवर्जन। और जैसे ही ये डायवर्जन बना, जैसे ही ये डाइवर्जन बना, उसके बाद जैसे ही ये रेड वाला नीचे हमें पहला डॉट देखने को मिले, पहला स्टिक देखने को मिले, वहां पर ले लेनी है हमें ट्रेड, कि इसके मतलब डाइवर्जन हो रहा हमारा वैलिड। ठीक है, स्विंग हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अच्छा, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि भाई हम स्टॉप लॉस कहाँ रखें, सबसे परफेक्ट स्टॉप लॉस क्या होता है, तो सबसे परफेक्ट स्टॉप लॉस होता है एटीआर का, उसे अप्लाई कैसे करते हैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के बाद स्टॉप लॉस की सारी समस्या आप लोगों की खत्म होने वाली है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये हमने ट्रेड ली तो हमारा प्रॉफिट कहाँ तक चला गया, ये देख लो, इतना बड़ा प्रॉफिट अगर आपको फॉरेक्स में मिल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो आप समझ सकते हो इसी ट्रेड में कितना एक्स हो चुका होगा, क्योंकि वहां बहुत हाई लेवरेज रहती है भाई। लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो में ज्यादा पैसा इसलिए कमाया जा सकता है क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी तेज है, उनकी बात सही है, लेकिन वो स्पोर्टर इन्वेस्टमेंट तक है, क्योंकि आप क्रिप्टो में वोलेटिलिटी तेज है, लेवरेज कितना कम मिलता है, लेकिन वहां पे 100-200x का तो कुछ लेवरेज होता ही नहीं, 200x तो शायद कोई एक्सचेंज दे भी नहीं रहा, 100-125 का लेवरेज मिलता, बस ये कुछ लेवरेज ही नहीं होता। फोरेक्स में अगर मूवमेंट कम है तो यहाँ लेवरेज भी तो 2-2 हजार के हैं भाई, 2000-4000 के लेवरेज अगर आपको यहाँ मिल रहे तो सोचो क्रिप्टो के मुकाबले में तो कितनी ज्यादा हाई वोलेटिलिटी में बन जाते हैं हमारी ट्रेड। ठीक, चलो ये तो हो गया इसका एक तरीका ट्रेड लेने का, स्क्वीज मोमेंटम का। ठीक, दूसरी चीज हम देखेंगे, हमें ट्रेड शुरू कहाँ से करनी है और हमें क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, सबसे पहले तो देखो कंटिन्यू, ये जो है मैं इसको फिर से बड़ा करता हूँ, ये जो आप ब्लू प्लस के निशान देख रहे हो 1 2 3, एक तो ये कंटिन्यू 5 से 6 आए हो, 5 से 6 कंटिन्यू बने हो टार्क बिल्कुल। ठीक है, दिख गया ना आप तो आपको ये, अब मैं छोटा कर देता हूँ, ये बने हो और उसके बाद आपको ये ग्रीन सिग्नल मिल जाए, ठीक है, ग्रीन स्टिक आ गई, तो वहीं पर आप ले सकते हो ट्रेड, और कहां तक के लिए ट्रेड लोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है,
तो अभी ट्रेड ले लेते हैं एक पहले इसके हिसाब से। हमें यहाँ पे मिल गए लगातार 5 से 6 ग्रीन और ब्लू डॉट, और उसके बाद एक ग्रीन स्टिक मिल गई, तो हमने यहाँ पे ले ली ट्रेड। और हम अपना स्टॉप लॉस चलो यहाँ पे स्विंग लो के नीचे रख देते हैं, और हम पता कहाँ तक ट्रेड को होल्ड करेंगे। अब आप देख रहे होंगे दो चीज नीचे स्क्वीज मोमेंटम में, ये जब तक डार्क है डार्क है डार्क है डार्क है चल रहा है, और जब ये वाला आ जाए, जो ये तो लाइट वाला ग्रीन है, उसके बाद जब डार्क वाला लगातार दो बना दे और अगले वाला पहले से छोटा हो, यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना। तो हमारा ये कहाँ पे बना, ये हमारा यहाँ बना, ये यहाँ पे। तो हमारी जो ट्रेड चली वो चली हमारी यहाँ तक। आप देख सकते हो कितना ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:11.63, जबरदस्त ट्रेड होती है भाई ये, जहाँ जाने को कुछ नहीं और आने को सारा जहाँ है। इतनी बेस्ट ट्रेड देता है हमारा इंडिकेटर जब भी ट्रेड देता है। और ट्रेड देख लेंगे अब, इसमें मैं एक तरीका बताता हूँ आपको फॉल्स सिग्नल को आइडेंटिफाई करने का, कि भाई यहाँ पे हमें ट्रेड मिली नहीं, ये जो सिग्नल है ये फॉल्स है। अब उसको कैसे करेंगे, हम वापस में हम चलेंगे अपने इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पे लगाएंगे हम अपना EMA दोबारा से। और कौन सा EMA, सबसे छोटे टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड कर रहे हो, ये कोई से भी कर रहे हो ना भाई, सबसे परफेक्ट होता है 200 EMA। इनपुट में जाओ EMA के, यहाँ 50 लिख रहा होगा, इसको 200 करो, 2 के पीछे 2 0 और कर दो ओके। अब ये बन गया हमारा 200 मूविंग एवरेज। ठीक, अब कैसे फिल्टर कर लिया हमने ट्रेड और हमें ट्रेड कैसे करनी है, मैं निश्चित तौर से बता रहा बिल्कुल। अगर संयम और डिसिप्लिन की बात करोगे, आज इंडिपेंडेंट डे है, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और ये स्ट्रेटेजी एज अ गिफ्ट समझो आज के मौके पे। बहुत अगर बस संयम रखने की जरूरत है, आपको ट्रेड भी मिलेंगे और जो भी ट्रेड मिलेगी पोर्टफोलियो फाड़ के निकलेगी गवादरा। ठीक है, ट्रेड कम मिलेंगे लेकिन मिलेगी जो जबरदस्त मिलेगी, और आपने दिन में एक जरूर मिल जाएगी भाई ले। और आप सब्र रखो, बस थोड़े से दिनों में तो आप देखोगे अपने पोर्टफोलियो को मल्टीपल एक्स होता हुआ। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। जब तक प्राइस एक्शन 200 EMA से ऊपर है, जब तक केवल लॉन्ग के लिए जाना, हमें शॉर्ट के लिए देखना ही नहीं। सबसे बढ़िया तरीका है फिल्टर करने को किसी भी इंडिकेटर में, किसी भी स्ट्रेटेजी में, कि आपको लॉन्ग कब जाना शॉर्ट कब जाना। आपने कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट का इंडिकेटर लगा रखा, अगर आपका प्राइस 200 EMA से ऊपर है और आपका बाय आ गया, तो आप निश्चित तौर पर उसके लिए चले जाइए। और अगर प्राइस एक्शन 200 EMA से नीचे है और आपका सेल का सिग्नल आ गया, तो निश्चित तौर पे सेल के लिए चले जाइए। आपकी एक्यूरेसी 95% हो जाएगी किसी भी सड़ी से सड़ी स्ट्रेटेजी में भी, ये हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, तो ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए क्या जरूरी है, ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये जो आप EMA देख रहे हो, ठीक है, 200 EMA। ठीक, अब हमने यहां पर ट्रेड ली, हमें यहां तक प्रॉफिट मिला था, अभी हमने प्रॉफिट लेके निकल गए क्योंकि ये आ गया था। ठीक, अब ये रेड आ गया तो हम शॉर्ट के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा प्राइस अभी 200 EMA से ऊपर है। अभी वापस मैं पुल बैक ऊपर की तरफ जाने दो, आने तो ऐसे नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर खींचेगा। ठीक, अब हमारा फिर से एक ट्रेड बन गई भाई, ये तो देखो यहां बन गई, देखो 3 4 4 5 हमारे ये भी आ रहे हैं ब्लूटूथ, 200 EMA से ऊपर है, और वापस में हमें मिल गई ग्रीन स्टिक यहां पे मिली यहां पे। चलो खींच देते हैं भाई एक ट्रेड, क्या दिक्कत आ गई फिर, है ना। तो इस कैंडल पे आई हमारी, यहाँ पे हम लगा देते हैं और हम अपना स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, तो देख सकते हैं हमें कहां तक प्रॉफिट मिला। आराम से देखो यहां तक हमारा प्राइस खींच के गया। ठीक, अभी मैं आपको स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक, ये हमारी ट्रेड 1:1.5 के आसपास जो है होगी, 1.46 के आसपास होगी। ठीक है, वैसे तो इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा इसके स्विंग हाई के नहीं, क्योंकि ये एक चीज और मैं बताता हूं आपको, हमेशा याद रखना जब आप ट्रेड ले रहे हो और वो कैंडल बहुत ही लंबी बनी है बुलिश या बियरिश, ठीक, तो आप स्विंग लो के नीचे मत जाओ, अपना स्टॉप लॉस लेके जस्ट उस कैंडल के ऊपर या नीचे रखो। बहुत प्रो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने अभी ये ट्रेड ली, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पर नहीं रखूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, और नीचे हमारा सब कुछ बुलिश है, 200 EMA से ऊपर है, तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इनफ होगा। और उसके बाद अगर हम प्रॉफिट देखें तो 2.56 को बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होता है भाई, ये फोरेक्स में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होता है, पोर्टफोलियो फाड़ के निकलता है, समझो इस चीज को। उम्मीद है जो मैंने अभी तक एक भी चीज बताई इस वीडियो में ए से जेड अभी तक जो बताई है वो आपको समझ में आई होगी भाई। और फिर से कह रहा हूँ, समझ में नहीं आई मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि वो वीडियो मुझे मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए। सबको पता है चैनल पे 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर होंगे तब भी इस चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, ये चैनल केवल और केवल, शर्म आती है इस चीज की कि यूएस के अंदर 60% लोग
वहाँ के स्टॉक मार्केट में है, इन्वेस्टमेंट में लगे हुए होते हैं। इंडिया में क्या 2.5%, कई कई जगह बिजनेस के नाम पे 100 बिजनेस है, कोई स्टॉक की बात ही नहीं करता, कोई इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करता। वो क्रांति लेके आनी है हमें, और बेहतरीन बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपके लिए लाएंगे, ट्रेड सिखा के मानेंगे, वादा रहा है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो 200 EMA से ऊपर है, तो हम इस रेड यानी कि शॉर्ट ट्रेड में नहीं जाएंगे। अब यहाँ तोड़ दिया, अब यहाँ हमारा EMA गया टूट, ठीक है। और उसके बाद ये आ गए 5 डॉट, और ये आ गई हमारी रेड कैंडल अच्छी खासी, तो हम इस कैंडल पे लेंगे शॉर्ट की ट्रेड, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस वाली कैंडल के ऊपर, क्योंकि ये क्या बनी, बहुत बड़ी कैंडल जो अभी मैंने जस्ट बताया था। अगर बड़ी कैंडल बन गई तो हमें स्विंग लो हाई पे नहीं जाना फिर, ठीक है। तो हमारा इस कैंडल पे ट्रेड आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ इसी कैंडल पर ट्रेड आएगा हमारा। और इसका स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के रखेंगे हम ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हो गया, वो नीचे करते हैं, यहाँ पर रखेंगे हम इसका स्टॉप लॉस। और हमारा प्रॉफिट भाई, प्रॉफिट भाई, प्रॉफिट भाई, अरे भैया ये तो प्रॉफिट अभी तक चल ही रहा है दोस्त। यहाँ पर आप क्लियर कर दे सकते हो, ये होती है स्ट्रेटेजी और ये होती है ट्रेड। जो आप बोलते हो कि भाई आप ट्रेड में पैसा कैसे कमा लेते हो, हम ट्रेड लेते हैं यार, जहाँ से ले लिया, जहाँ से शॉर्ट कर लिया वहाँ से ऊपर चल दे, और जहाँ से लॉन्ग ले लिया वहाँ से नीचे चल दे। आप देखते हो कि ये बहुत ऊपर चला गया, अब इसे शॉर्ट कर लो, ऐसा नहीं होता भाई। अभी आपको बताऊँ, 15 से 20% ट्रेडर मार्केट से आउट हो गए रशिया यूक्रेन वार में, वहां पे वार हुआ, लोगों ने देखा 3 दिन मार्केट भयानक क्रैश हो गया, अब ऊपर उठेगा, क्यों उठेगा, वार खत्म थोड़ी हो गया, मार्केट गिरता गया, उनके पोर्टफोलियो साफ हो गया, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी आप अपने चार्ट पर लाओ, आप करके देखो एक बार मेरे भाई। मैंने इसमें आपको एक ट्रेड भी दी है जो इस टाइम प्रॉफिट में चल रही है, क्योंकि जब तक मैं वीडियो बना रहा और 2 रेड कैंडल आ चुकी, जो मैंने बिल्कुल शुरू में प्राइस एक्शन के बेस पे ली थी। इस बेस पे भी अभी पूरी तरह से हमारी चल रही है शॉर्ट, हमारी इस वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी और हमारी प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, तो यूरो यूएसडी नीचे गिरेगा ही गिरेगा। और ये चीज़ आप क्रिप्टो में भी लगा सकते हैं, आप गोल्ड में लगा सकते हैं, आप फॉरेक्स में लगा सकते हैं, आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए, तो सीधी सी बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई आपको समझ में आ रही है, और आपको समझ में आ रही है तो मैं ऐसे ही समझाता रहूंगा। चैनल को करो जल्दी सब्सक्राइब, और साथ में घंटे बटन में भी उंगली करो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है भाई। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक मारो, इस वीडियो को शेयर करो, आपके भाई को आपके सपोर्ट की जरूरत है, इस चैनल को बड़ा करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।